हेलो एवरीबॉडी, दिस इज याश एंड वेरी वार्म वेलकम टू हाउ टू बिकम अ वेडिंग प्लानर। मुझे पता है आप सभी बहुत एक्साइटेड है बिकॉज वेडिंग इंडस्ट्री इटसेल्फ बहुत ही क्रिएटिव इंडस्ट्री है एंड इसके बारे में सीखना उससे भी ज्यादा अमेजिंग है बिकॉज इतनी सारी चीजें हैं सीखने के लिए जो हमने देखी तो है बट कभी उसे समझा नहीं है या कभी उसे समझ में आई नहीं है। तो बहुत सारी चीजें होती है एक वेडिंग इंडस्ट्री में। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि ये कोर्स होगा कैसे, व्हाट इज वेडिंग प्लानिंग एंड हु इज अ वेडिंग प्लानर, ताकि आपको समझ में आए आप ये कोर्स क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। एंड इस वीडियो के एंड में मैं अपने बारे में भी थोड़ा बताऊंगा ताकि आप लोगों को ये भी समझे कि मैं कौन हूँ और मैं आप लोगों को क्यों वेडिंग प्लानिंग का कोर्स पढ़ा रहा हूँ, राइट। सो इसी के साथ में व्हाट इज वेडिंग प्लानिंग। तो वेडिंग्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ समवन्स लाइफ और उसको सिर्फ फ्लॉलेसली प्लान करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बट एक ड्यूटी है, राइट। एवरी वेडिंग स्पेसिफिकली इन इंडिया हर वेडिंग को एक फेस्टिवल के जैसा मनाया जाता है एंड एवरी पेरेंट्स हैव ड्रीम्ड कि उनके बच्चों की शादी कैसे होगी, एवरी कपल हैज ड्रीम्ड कि हमारी शादी कैसे होगी। सो एज अ वेडिंग प्लानर हम जो बहुत लकी है कि हमें उनकी ड्रीम पूरी करने का मौका मिलता है, राइट। सो बिफोर मूविंग अहेड लेट मी टेल यू सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट वेडिंग इंडस्ट्री कि वेडिंग इंडस्ट्री एक्चुअली कितनी बड़ी है और क्या आप में से सभी को ये चीजें पता थी, राइट। सो वेडिंग इंडस्ट्री, इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री जो है वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट वेडिंग इंडस्ट्री है जिसका वैल्यूएशन है अराउंड $50 बिलियन मार्केट, राइट। हर साल अप्रोक्सीमेट 10 मिलियन शादियां होती है इंडिया में, इसका मतलब 9 लाख शादी पर मंथ और 30,000 वेडिंग्स पर डे। और ये जो आंकड़े हैं ना, शायद आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कोरोना के पहले के आंकड़े, ट्रस्ट मी यू गाइस आर रॉन्ग, ये सिर्फ और सिर्फ नवंबर दिसंबर ने जो पिछले सालों में जितनी शादियां होती थी वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है और सिर्फ नवंबर दिसंबर में उतनी वेडिंग्स हो चुकी है जो पूरे पूरे साल में होती थी, राइट। सो वेडिंग इंडस्ट्री इज अ रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जैसे ही आपका बर्थ हो जाता है आपके पेरेंट्स ड्रीम्स देखना चालू करते थे कि इसकी शादी कैसे होगी, इसकी शादी में हम कितना खर्चा करेंगे और वो तब से पैसे बचा के रखते हैं। तो चाहे एंड में कुछ भी हो जाए उनके पास वो वेडिंग के पैसे ऑलरेडी सेव होते हैं। और इसी के साथ एक बहुत अमेजिंग फैक्ट ये है कि कोई भी मोस्टली ऑन एन एवरेज इंडियन स्पेंड 20% ऑफ हिज लाइफ टाइम अर्निंग, जो पूरे लाइफ में कमाया है उसका 20% वो लोग शादी में खर्चा करते हैं और जो कि एक बहुत 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 बड़ा अमाउंट होता है। तो दे तो बहुत अच्छे अच्छे पार्ट्स थे वेडिंग के, भी सब लोग एक्साइटमेंट हो रही, बेंच से ऊपर हो रहे होंगे कि अरे यार वेडिंग प्लानिंग करके इतना पैसा कमाएंगे, बट कुछ ऐसे मिथ्स भी है जो ब्रेक करने बहुत ज्यादा जरूरी है। वेडिंग्स एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, राइट। सो ये इंडस्ट्री के साथ साथ आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल जाती है, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल्स मोर स्ट्रेस एज वेल। और स्ट्रेस इसलिए नहीं कि आपको बहुत ज्यादा काम, बहुत वेराइटी ऑफ काम आपको करना पड़ता है, कुछ काम आपको पसंद होगा कुछ काम नहीं पसंद होगा, बट द मोमेंट यू स्टार्ट एंजॉइंग द प्रोसेस आपको स्ट्रेस लगेगा ही नहीं ये इंडस्ट्री, राइट। सो आपको इस इंडस्ट्री में सब कुछ मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, ट्रैवल मिलेगा, फूड मिलेगा, स्टे मिलेगा, बट इसलिए आपको इंडस्ट्री के अंदर एंटर नहीं करना है क्योंकि आपको ये सब मिलेगा। द मोमेंट आप लोग इस चीज के लिए एंटर करोगे आप लोग मेन पर्पस से हट जाओगे और आपकी जो ग्रोथ है वो एक्चुअली स्लो हो जाएगी। द मोर यू फोकस ऑन ग्रोथ लर्निंग, कैसे आप नई चीजें सीख सकते हो, कैसे हाउ कैन यू बी क्रिएटिव, कैसे आप आईज रख सकते हो दूसरे प्लानर्स पे, द मोर यू ऑब्जर्व एंड लर्न, उस जिस मोमेंट पे आप वो चीज पे फोकस करोगे ये वाली जो चीज है वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस, राइट। ऑल्सो द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोग बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में आते हो कि मुझे 9 to 5 जॉब नहीं करना, ये 9 to 5 जॉब है ही नहीं बाबा, दिस इज अ फुल टाइम वर्क, फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें रात क्या दिन का, स्पेसिफिकली ऑन डेज ऑफ इवेंट्स। तो ये चीज तो मान लो कि ये इंडस्ट्री में आने के बाद अब ये सब चीजें डिमांड है, अरे यार मुझे तो 12 बजे तक काम करा दे, 2 बजे तक काम करा दे, रात को सोने नहीं दिया, यू आर चूजिंग दिस, राइट माई फ्रेंड। सो विद दैट सेड आई होप यू आर क्लियर कि वेडिंग इंडस्ट्री क्या है, वेडिंग इंडस्ट्री बड़ी क्यों, आप इसको डीपली समझते धीरे धीरे, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है अभी तक, राइट। बट जो वेडिंग प्लानर्स होते हैं ना उसको मैं रियल लाइफ एवेंजर्स बोलता हूँ, और क्यों, बिकॉज ये एक इकलौता ऐसा प्रोफेशन है, वेडिंग प्लानर्स या इवेंट प्लानर्स दो बहुत वन एंड द सेम भाई भाई है, राइट। तो ये एक इकलौता ऐसा प्रोफेशन है जो ट्रूली वन इन ऑल प्रोफेशन है, यू हैव टू बी ऑल राउंडर।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप टेक बैकग्राउंड से यू हैव अ स्पेस इन दिस, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से यू हैव अ स्पेस इन, आप अकाउंट्स बैकग्राउंड से आप यू हैव अ स्पेस इन, यू आर फ्रॉम अ क्रिएटिव इंडस्ट्री यू हैव स्पेस इन दिस, राइट? सो आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, कुछ भी कर रहे हो, वट एवर इज योर एज, यू हैव स्पेस इन दिस एंड यू हैव स्कोप इन दिस इंडस्ट्री टू वर्क, राइट? सो इसीलिए वेडिंग प्लानर कोई भी कैसे भी बन सकता है, और अभी तो फिलहाल आप अपने घर बैठे बैठे भी वेडिंग प्लानर बन सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस कोर्स. वेडिंग प्लानिंग, द टर्म इटसेल्फ गिव्स इंपॉर्टेंस टू प्लानिंग रादर देन एग्जीक्यूशन. वेडिंग एग्जीक्यूशन नहीं बोलते, वेडिंग मैनेजमेंट नहीं बोलते, वेडिंग प्लानिंग, राइट? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है वेडिंग प्लानिंग. एंड ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज शादी चाहे एक दिन की हो या दो दिन की हो या कुछ लकी प्लानर्स को चार दिन की वेडिंग्स मिले, बट उसकी जो प्लानिंग है वो महीनों चलती है, और वो प्लानिंग बहुत ही कोर पार्ट है इस पूरे कोर्स का. बहुत सारे लोग ये सबसे बड़ी गलती कर देते हैं कि वो फोकस करते हैं ऑन फील्ड कि सीधा हम जाएंगे वेडिंग एग्जीक्यूट कर देंगे. मैं अगर आपको एक पिक्चर दे दूं ना, तो और वो लेबर को भी पिक्चर दे दूं, लेबर भी वो चीज एग्जीक्यूट कर देगा. बट द थिंग दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज स्क्रैच से सोचना कि सोचते कैसे है, बनाते कैसे है, क्लाइंट्स कहाँ से लाते हैं, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, एंड देन एवरीथिंग फॉल्स इनटू पिक्चर. बिकॉज विदाउट एग्जीक्यूशन आप प्लानिंग कितनी भी कर लो तो भी मतलब नहीं, एंड विदाउट प्लानिंग आप एग्जीक्यूशन कर ही नहीं सकते, राइट? बिकॉज प्लानिंग जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है. तो प्लानिंग जो है इस इंडस्ट्री में जो आपकी स्टार्ट हो जाती है इवन बिफोर यू सेट द डेट. अब आप सोच रहे होंगे डेट सेट करने में कैसी प्लानिंग, राइट? सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. बहुत ही सारे एग्जांपल्स के साथ, स्टोरीज के साथ हमें पूरा कोर्स करने वाले. सो आई एम मेक श्योर कि ये कोर्स आपको इंटरेस्टिंग लगे. आई कीप इट लाइट, आई कीप फन, एंड आई मेक श्योर दैट हम इंजॉय करें साथ साथ में. तो डेट सेट करने से पहले कुछ चीजें हम लोगों को देखनी होती है कि क्या हम जो डेट पे इवेंट कर रहे हैं वहां पे कोई सेम डेट पे फैमिली वेडिंग का कोई क्लैश तो नहीं, क्या उस सेम दिन पे वेदर कंडीशंस वगैरह अच्छी होगी या नहीं है. हालांकि आजकल तो नवंबर दिसंबर में भी बारिश हो जाती है, जो कि ये साल भी हुआ, पिछले साल भी हुआ, एंड बहुत सारी चीजें. बट ऑल्सो कुछ चीजें जो है हम पहले से जो संभाल के रख सकते हैं, दैट वी हैव एटलीस्ट अ बैकअप, राइट? क्या हम जिस दिन पे इवेंट करने का सोच रहे हैं उस सेम दिन पे आजू बाजू में कोई बड़ा इवेंट तो क्लैश नहीं है. फॉर एग्जांपल अंबानी की जिस दिन वेडिंग हुई थी जोधपुर में कहीं हाथी नहीं मिल रहे थे. सो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, राइट? बिकॉज लोग राजस्थान में वेडिंग करते हैं तो उनको एलिफेंट्स चाहिए. ऑल्सो एक और चीज है कि क्या आपका फेवरेट वेन्यू बुक हो गया है, फेवरेट वेंडर्स बुक हो गया है, तो ये भी सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ती है बिफोर सेटिंग अ डेट. और ये सेटिंग अ डेट का लेक्चर नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि एक डेट सेट करने में भी ये सारी चीजें सोचनी पड़ती है. तो पूरी वेडिंग प्लान करने में कितनी चीजें सोचनी पड़ती होगी, एंड हेंस वेडिंग प्लानिंग के अंदर प्लानिंग इज वेरी सिग्निफिकेंट, राइट? सो यूजुअली जो प्लानिंग है उसके तीन स्टेजेस है. कौन से तीन स्टेजेस है? फर्स्ट प्लान ऑफ प्लानिंग, कि एक जो प्लानिंग करनी है उसका भी प्लान होना चाहिए कि किस तरह से एक्चुअली ये प्लानिंग हमको करनी है. दूसरी प्रेजेंटेशन ऑफ प्लानिंग, हमारे दिमाग में तो आइडियाज आ गए, हमने तो सोच लिया एज अ वेडिंग प्लानर, एंड हम तो विजुलाइज भी कर लिया कि यहाँ पे स्टेज होगा, यहाँ से ब्राइड आएगी, यहाँ से ग्रूम आएंगे, यहाँ पे से आर्टिस्ट आएंगे, बट हाउ डू वी प्रेजेंट दैट आइडिया टू आवर क्लाइंट्स, हम वो आइडियाज ट्रांसफर कैसे करें. एंड आप सभी को वो गेम्स तो पता ही होगी जहां पे लोग लाइन से खड़े रहते हैं, यहाँ पे जो बंदा उसको हम कुछ बोलते हैं और वो सिर्फ बंदा बात करते जाता है और लास्ट में वो बात कंप्लीटली चेंज हो जाती है. सो एक पूरे वेडिंग का आइडिया जो आपके दिमाग में है बहुत अमेजिंग होगा, बट अगर आपने सही से उनको प्रेजेंट नहीं किया किस तरह से प्रेजेंट करना है और आपने वो नहीं किया, तो क्लाइंट को समझ में ही नहीं आएगा कि आप सोच क्या रहे हो और आप समझाना क्या चाहते हो, राइट? सो प्रेजेंटेशन ऑफ प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सब कुछ कर लिया, प्लानिंग कर ली, प्रेजेंटेशन अमेजिंग बना दी, बट एग्जीक्यूशन आता ही नहीं है. एग्जीक्यूशन में हवा डोल तो भी गड़बड़ है. एग्जीक्यूशन की भी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कैसे करते हैं, कहाँ से वेंडर्स ढूंढते हैं, कैसे ट्रस्ट करते हैं वेंडर्स पे, कैसे एग्जीक्यूशन का प्लान बनाते हैं, कैसे फ्लोज बनाते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री. और ये जो कोर्स है इसके अंदर हम प्रेजेंटेशन, आइडिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन सब कुछ सीखने वाले हैं, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट कोर्स एंड यू विल कंप्लीटली गेट अ गाइडेंस ऑफ कैसे वेडिंग इंडस्ट्री ऑपरेट करती है. And that is what I wanted to explain you with this video, के planning कितनी important, and I hope ये जो भी पूरा course होगा, इस course के अंदर हम planning के ऊपर बहुत focus करेंगे.
उसको फोकस करने के लिए विल हैव टू डू असाइनमेंट एज वेल, बिकॉज आप सभी को पता है, हम सभी ने बचपन से स्कूल में गया है, किसको आजकल अभी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला याद है, क्या किसको लिमिट्स डेरिवेटिव्स आते हैं, भूल गए ना हम लोग, बिकॉज हम लोग ने भले कितना भी लिखा होगा, फॉर्मूलाज याद किए होंगे, बट जब तक उसको इंटरेस्टिंग हम नहीं बनाते, जब तक हम खुद से मन से वो चीजें नहीं करते, हम लोगों को नहीं समझ में आती। हम तो वैसे ही है, मैं तो एटलीस्ट वैसा हूँ, इसीलिए मेरा पढ़ाने का तरीका भी वही है। सो सिंपली हम क्या करेंगे, हम जो भी चीज सीखेंगे उसके ऊपर एक छोटा सा असाइनमेंट करेंगे, सेल्फ असिस्ट असाइनमेंट करेंगे, कोई एग्जाम नहीं, कोई मार्क्स नहीं, कुछ नहीं, खुद से कर रहे हैं क्योंकि हमको खुद को वेडिंग प्लानर बनना है। सो मैं आपको एक सिंपल असाइनमेंट दूंगा हर एक वीडियो के बाद में, आपको सिंपली वो करना है एंड ट्राई करो, जो भी असाइनमेंट आप कर रहे हो उसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही एफर्ट डाल के, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के आप करो, एंड जितना आप अच्छे से असाइनमेंट करोगे, ट्रस्ट मी, ये कोर्स आपको उतना ही बेनिफिट देगा। सो ये तो हो गई फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट मी टेल यू हु इज अ वेडिंग प्लानर। अब सभी को लगता होगा ना, वेडिंग प्लानर करता क्या है, वेडिंग प्लानर नोट छापता है नहीं छापता है बट बहुत सारी चीजें करने के बाद, राइट? सो वेडिंग प्लानर इज समवन हु हेल्प्स क्लाइंट्स फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, राइट, टिल द वेरी एंड एंड इवन आफ्टर द वेडिंग। थ्रू कुछ चीजें होती है जो हम लोगों को वेडिंग के बाद भी करनी होती है, सो वो एक वेडिंग प्लानर होता है। Whether it's deciding venue, whether it's finalizing catering का menu, whether it's photo videography, whether it's logistics, hospitality, and ये सारे जो terminologies हैं हम इस course के अंदर धीरे धीरे सीखेंगे, so don't worry अगर आपको ये सारे terminologies समझ भी ना आए, this is just an introduction, right? So everything you might know, एक वेडिंग के अंदर जो भी होता है, चाहे वो पंडित को फल फ्रूट चाहिए, चाहे वो ब्राइड की एंट्री हो, चाहे ग्रूम की एंट्री हो, चाहे घोड़ी ढोल साफा कुछ भी, एक्स वाई जी, चाहे वो इनवाइट या डेकोर या केटरिंग कुछ भी हो, सारा काम वेडिंग प्लानर करता है। तो वेडिंग प्लानर इज अ सोर्स, सेंटर पार्ट, वन पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन फ्रॉम क्लाइंट, एंड जरूरी नहीं हम सब ये खुद से करें, वी कैन आउटसोर्स इट टू डिफरेंट डिफरेंट पीपल, एंड दैट इज वॉट वी लर्न इन दिस होल कोर्स, राइट? सो मैं हूँ ये आपको ये सब कुछ सिखाऊंगा, टेंशन मत लो कि इतना सारा हम लोग कैसे सीखेंगे, कैसे करेंगे, ये कोर्स के अंदर सब कुछ आराम से हो जाएगा अगर आप लोग बहुत सारा अटेंशन और बहुत मजे से ये कोर्स करो। सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू एंजॉय दिस कोर्स, राइट? सो बिफोर वी मूव हेड और ये कोर्स हम स्टार्ट करें, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, कि मैं कौन हूँ, क्यों आपको ये कोर्स सिखा रहा हूँ, एंड क्या मैं ये कोर्स सिखाने के लिए एलिजिबल हूँ। So myself, Yash Solanki, founder of Smile Events and Weddings and Events Expert and Online Event Management Institute. So Smile Events एक wedding planning company है जिसको हम लोगों ने 8 Feb 2018 के अंदर start किया था, plus उसके पहले मैंने काफी सारा experience किया था, I learned event management, मैंने caterings handle किए थे, मैंने बड़े बड़े events किए हैं like film fair, Coldplay, Sunburn, corporate events किए हैं, डांडिया के events किए हैं, wedding events किए थे, कुछ grand events किए थे, and ये सब event करने के बाद मैंने फिर job की थी, फिर I switched to a wedding company, इसमें जॉब की, and then I started my own company, और वो कंपनी स्टार्ट करके भी हमें 4 साल होने आए, and in this process we have learned a lot of things, right? So मैं भी एक CA student था, CA drop out करके ये कोर्स करने वाला था, and बहुत सारी चीजें थी, and I understand you guys कि बहुत सारे आप में से जो लोग होंगे वो घर पे उनके प्रेशर होगा, उनको वेडिंग प्लानर नहीं बनने दे रहे होंगे, या उनको बोल रहे होंगे कोई फैंसी डिग्री लेने, या आप ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे हो, एंड आप कैसे इसमें अंदर स्विच करें, ये सब चीजें की आपको गाइडेंस चाहिए, एंड आई हैव डन ऑल दिस, एंड ये सारी चीजें मैंने ओवरकम की है, तो मैं ये सारी चीज को भी कवर करूंगा, and we'll have an option कि हम कैसे connect करके ये problems को भी solve करें personally one to one, right? So ये सारी जो चीजें थी ये मैंने की थी, और उसके बाद में wedding industry में आया, और अब जब Smile Events को 4 साल हो गए, तो 4 साल में हम लोग ने बहुत अच्छी growth की है, जहाँ पे हम लोग ने इंडिया के कुछ most influential persons के weddings किए हैं। आपको और आइडिया देने के लिए, इंडिया के 100 richest persons के अंदर में से हम लोगों ने 3 लोगों के घर पे इवेंट कराया, राइट? सो दैट इज हाउ द स्केल ऑफ वेडिंग्स वी हैव डन। उसी के साथ साथ में आई ऑल्सो हैव अनदर कंपनी इवेंट्स एक्सपर्ट, जो कि एक ऑनलाइन इवेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, जिसको हम लोगों ने लॉकडाउन के पहले स्टार्ट किया था, लॉकडाउन है इसके लिए ऑनलाइन स्टार्ट नहीं किया था, एंड द रीजन आई स्टार्टेड टीचिंग इज बिकॉज ऑफ यूट्यूब। मैंने एक दिन ऐसे यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया, एंड उस वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट्स किया कि वी आर गेटिंग एक्चुअल नॉलेज ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने डाला था इवेंट मैनेजमेंट
मैनेजमेंट के ऊपर, करियर के ऊपर, बट दे द पीपल हु हैव पुट इन दिस कंटेंट वो इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री से नहीं है बिकॉज दे आर गुड एट एसईओ, तो उन लोग ने जो कंटेंट डाला वो ऊपर आ गया एंड वही कंटेंट सबको दिखा, बट जो अच्छा नॉलेज था वो कभी ऊपर ही नहीं आया बिकॉज उनको एसईओ नहीं आता है। एंड आई हैव बोथ द स्किल्स, तो मैंने बोला ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को अच्छा नॉलेज देना, प्लस आपको वो नॉलेज सर्चेबल हो, रीचेबल हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। दैट इज व्हाई स्टार्टेड एन ऑनलाइन चैनल। ऑनलाइन चैनल पे कब इतने सारे लोग कनेक्ट हुए, अब नाउ वी आर ऑलमोस्ट 10,000 सब्सक्राइबर्स का फैमिली, कब बहुत सारे लोग आए। एंड हम लोगों ने ये कोर्स बनाया क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे वो बोल रहे थे कि सर हम दिल्ली से नहीं है, मुंबई से नहीं है, अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है हमारे पास, इतने ज्यादा हम लोगों को पैसे नहीं स्पेंड करने, तो अफोर्डेबल और ऐसा कोई कोर्स बनाओ। एंड दैट इज व्हाई वी आर इनटू दिस इंडस्ट्री ऑफ टीचिंग। एंड अभी हम लोगों ने सिर्फ लॉकडाउन में 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। मोस्ट ऑफ देम आर गेटिंग इंटर्नशिप्स इन गुड कंपनीज, एक्सपीरियंस, जिन्होंने अपना बिजनेस भी चालू कर लिया है। एंड दैट इज हाउ द क्वालिटी ऑफ द कोर्स इज। एंड यही जो क्वालिटी है वो मैं इस वीडियोज की रखने वाला हूँ इन दिस सिमिलर टॉक, सो दैट वी स्टे कनेक्टेड और बहुत ही वन टू वन कम्युनिकेशन आप लोगों को लगे, ऐसा नहीं लगेगा बहुत लेक्चर वाला कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट? सो विल कीप इट प्रैक्टिकल, विल कीप इट सिंपल, विल कीप इट हैप्पी, राइट? सो दैट इज हाउ द कोर्स will be, and I hope आप लोगों को पता है कि ये कोर्स कैसे करना है। और इसी के साथ में हम ये वीडियो को भी एंड करते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं। इस वीडियो के नीचे आपको एक एक्सेल शीट दिखेगी, उस एक्सेल शीट को अपना कोर्स ट्रैकर समझो और उस एक्सेल शीट को बस डाउनलोड करके वहां पे मार्किंग्स करते रहो कि क्या आपने कौन कौन सी चीजें कर ली है, ये वीडियो देख लिया, उसके बाद का असाइनमेंट कर लिया है या नहीं किया है। एंड आई होप यू जस्ट एंजॉय दिस कोर्स एंड आप लोग बहुत मजे करो ये कोर्स में, बहुत कुछ सीखो। एंड विद दैट सेड, Let's just end this video. मैं बोलता बहुत हूँ. So see you all in the next video. तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए.